हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान। आज क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर कराने जा रही है। सो यहाँ पर गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले से कॉल और पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कॉल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज दे हैव ए सर्टेन लाइफ स्पैन एंड कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। दे कैन नॉट बी रिन्यूड क्विकली आफ्टर यूज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज कॉल्ड ए ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस व्हाट हेल्प्स टू चेंज द गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वैल्यूएबल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अर्थ अनइक्वली। रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ अनइक्वली बिकॉज अर्थ हैज डिफरेंट टोपोग्राफी क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड एंड डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंस इन दीज फैक्टर्स हैज रिजल्टेड इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी शुड कंजर्व रिसोर्स। आंसर है, वी शुड कंजर्व रिसोर्सेज बिकॉज दे आर लिमिटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, व्हाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। आंसर है, द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन ए वैरायटी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स सच एज लाइक क्लाइमेट अल्टीट्यूड एंड वेरीफॉर्म अल्टीट्यूड। ऑल दीज फैक्टर्स आर नॉट सेम एवरीवेयर एंड वेरीफॉर्म From place to place on the earth. Moreover, the level of development and technological level determine the distribution. Question number 2 है, what is sustainable development? Sustainable development means development that takes place without damaging the environment. It is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Question number third, what are man-made resources? Give two examples. Those resources which are created by man using his skills and knowledge, tools and machines are example of man-made resources. क्वेश्चन जी का डिस्क्राइब डिटेल वाले क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड व्हाई डू वी नीड देम। आंसर है, द रिसोर्सेज विच आर रिन्यूड आफ्टर यूज एंड डू नॉट गेट एडजस्टेड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सनशाइन, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वी नीड दैम बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाई एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेज आर क्विकली रिप्लेस्ड आफ्टर यूज। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज सस्टेनेबल डिवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम कंजर्वेशन। एक्सप्लेन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स सो दैट दे yield sustainable benefit to the present generation while maintaining its potential to meet the needs and aspiration of future generation. On the other hand, sustainable development which can be maintained for a long time without undue damage to the environment. Thank you. आज के लिए बस इतना है।